हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने आईबॉल बैटन वाईफाई राउटर को सिर्फ अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की मदद से कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी पीसी या लैपटॉप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके वाईफाई राउटर में आपको जो पावर अडेप्टर उसके साथ आया होगा वो सबसे पहले आप कनेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपके ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको वैन केबल प्रोवाइड की होगी वो आप उस वैन पोर्ट में सबसे पहले प्लग इन कीजिए। ये करने के बाद जब अपना वाईफाई राउटर आप पावर ऑन करेंगे तभी आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर वाईफाई में जाना है। वाईफाई की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला जो वाईफाई राउटर का नाम दिखेगा आईबॉल बैटन, वही आपका न्यू वाईफाई राउटर है। तो उस पर हम क्लिक करते हैं। जब हम न्यूली कोई वाईफाई राउटर कनेक्ट करते हैं तो वो ओपन नेटवर्क होता है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। करना है कि आपका जो राउटर है उसके पीछे साइड में आप अगर देखेंगे बैक साइड में तो वहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा जो कि बेसिकली सभी मॉडेम्स के लिए सेम होता है, जो होता है 192.168.1.1। तो ये सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए। अभी आप जैसे ही गूगल क्रोम ब्राउजर में अपना 192.168 वाला आईपी एड्रेस डालेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी इसमें हमें क्या करना है कि अपना एडमिन जो पासवर्ड है जो कि आपके वाईफाई के पीछे लिखा हुआ है वो एडमिन पासवर्ड डाल के हमें इसमें लॉग इन करना है। अभी लॉग इन करने के बाद हमारे सामने तीन ऑप्शंस है इंटरनेट कनेक्ट करने के। एक है PPOE, दूसरा होता है डायनेमिक आईपी और तीसरा होता है स्टैटिक आईपी। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किए जाने वाला टाइप है वो है PPPOE, जिसमें सिंपल आपको आपका ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो आपको एक आपका यूज़र आईडी देगा और साथ ही साथ उसका पासवर्ड देगा। तो नॉर्मली हमें सबसे पहले इस वैन टाइप PPPOE पे हम क्लिक करेंगे। इसमें अभी देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। तो यूज़र नेम में मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ जो कि मुझे मिला है अपने ISP से, और उसके नीचे डालेंगे पासवर्ड। अभी नेक्स्ट है SSID। SSID का सिंपल मीनिंग होता है कि आपका नेम क्या होगा वाईफाई का। तो यहाँ पे सिंपल आप आईबॉल बैटन की जगह जो चाहिए वो अपना नेम आप वाईफाई का रख सकते हैं। सिमिलरली जो वायरलेस पासवर्ड है वो है आपका पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं अपने वाईफाई के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड आप सेट कीजिए। ये सब करने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे आईबॉल बैटन को कांट कनेक्ट टू द नेटवर्क दिखा रहा है। अभी एक बार आप जब अपना मोबाइल का वाईफाई नेटवर्क रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको आपने जो नाम रखा हुआ है वाईफाई का वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा वाईफाई का नेम रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो सिंपली अभी इस पर आपको क्लिक करना है और अपना पासवर्ड जो आपने सेव किया है वो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के कनेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपका वाईफाई जो है आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।